मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की अचानक तबीयत खराब होने के चलते उन्हें शनिवार रात अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब उमा भारती ने खुद अपनी तबीयत को लेकर हेल्थ अपडेट शेयर किया है। आपको बता दें, एक ट्विटर पोस्ट में जानकारी देते हुए भारती ने लिखा, बीती रात करीब 11 बजे अचानक मेरी तबीयत खराब होने पर मुझे मेरे आवास के पास स्मार्ट सिटी अस्पताल ले जाया गया। मेरी सभी टेस्ट नॉर्मल बता रही हैं, लेकिन बेहद थकी हुई और कमजोर महसूस कर रही हूं। उन्होंने आगे लिखा, डॉक्टरों के अनुसार इसका एकमात्र इलाज कुछ महीनों के लिए बेड रेस्ट है। आप प्लीज भूलना मत कि मैंने अपने उम्र के 6 साल से यानी लगभग 55 साल से पब्लिक लाइफ में कड़ी मेहनत की है। उमा भारती की तबीयत को लेकर बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी चिंता जाहिर की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रविवार को ट्विटर पर पोस्ट किया कि उन्हें उमा भारती के खराब स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मिली है। सिंधिया अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखते हैं, पता चला कि मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और मेरे परिवार के सदस्य आदरणीय उमा भारती अस्वस्थ हैं। मैं ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले 14 मई को भी उमा भारती की तबीयत खराब हुई थी और उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। तब भी उन्होंने ट्वीट करके स्वास्थ्य खराब होने की जानकारी दी थी। उमा भारती ने ट्वीट कर बताया था कि 1 महीने तक वो अमरकंटक में थी, जहां काफी ज्यादा ठंड थी, और फिर वहां से भोपाल और ओरछा आई, जहां काफी गर्मी है। ठंडी से गर्मी में आने के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया है।